अनुशासन और सिद्धांतों की राजनीति में जब अपने हित आड़े आने लगे और उपेक्षा का भाव पैदा हो जाए तो सिद्धांतों और अनुशासन के पुलिंदे बिखरते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ अब भाजपा की प्रदेश की राजनीति में नजर आने लगा है। जी हाँ, चुनाव आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और टिकट पाने की चाह के साथ पार्टियों में पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस बरसों से जिस लड़ाई को जूझ रही है, वही लड़ाई अब कांग्रेस नेताओं के भाजपा से जुड़ने के बाद भाजपा में भी नजर आ रही है, जिसको लेकर धार जिले की बदनावर विधानसभा के दो बदनावर नेता, जो कभी भाजपा और कांग्रेस से आमने सामने चुनाव लड़े थे, अब भाजपा में ही रहते हुए उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। एक और जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता दीपक जोशी के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने की अटकलों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और भाजपा के कई नेताओं के स्वर बागी होते जा रहे हैं, जिसमें भाजपा की अंदरूनी राजनीति डगमगा रही है। ऐसे में धार जिले के बदनावर से भाजपा के पूर्व विधायक और दबंग नेता इंदौर के भंवर सिंह शेखावत भाजपा के मंत्री, बदनावर से विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बीजेपी में शामिल होने के समय से ही खफा चल रहे थे। अब इंदौर में अपने निवास पर विधानसभा चुनाव के पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया समर्थकों के भाजपा में आने के बाद की बनी परिस्थितियों को मन को दुख देने वाली पीड़ा बताया और कहा कि पार्टी मजबूत होती तो समझ में आ जाता, पर पार्टी की जमीन खोखली हो गई है। जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी का निर्माण किया गया वह छूट गए तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार सहित खुलेआम लूटपाट के आरोप लगाए और बदनावर के विधायक मंत्री दत्तीगांव पर जमीनों पर कब्जा करने, खदानों पर कब्जा, अवैध रूप से खनन तथा जुएं और सट्टा चलवाने जैसे गंभीर आरोप लगा डाले, जिसके जवाब में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि सट्टे जुएं से उनका कोई लिंक नहीं, ना ही उनके और उनके परिवार द्वारा किसी की जमीन पर कोई कब्जा किया गया। साथ ही दत्तीगांव ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं, आरोप लगाने वाले खुद भंवर सिंह जी शेखावत पर हैं। अपेक्स बैंक के चेयरमैन थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर FIR दर्ज हुई थी। होटल मशाल में जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे तथा उन पर दर्ज मामलों में शिवराज सिंह चौहान जी से उन्होंने मिन्नत करते हुए उनके केस को रफा दफा करवाने की बात भी कही थी। आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ ही यह सुखबुगाहट तेज हो गई है कि भाजपा के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस का दामन थामकर बदनावर से मंत्री दत्तीगांव के खिलाफ कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में मंत्री दत्तीगांव के लिए आसान मानी जा रही आगामी बदनावर विधानसभा की जीत खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि राजवर्धन सिंह के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद से क्षेत्रीय भाजपाइयों में असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और भंवर सिंह शेखावत का भी इस क्षेत्र में काफी दबदबा माना जाता है। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली है। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की जमीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे, ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर, उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूरी जमीनों पर कब्जा करना, सारे खदानों पर कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। युवा सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, अपनी बात संगठन से कह रहा है। भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की, जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये, ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है। फिक्र की सट्टे जुए का कहीं से कहीं तक
मुझसे कोई लिंक प्रमाणित नहीं कर सकता। भंवर सिंह जी पे तो स्वयं केसता धृत अधिनियम का उनका इलेक्शन एफिडेविट 2013 का निकाल के देख के होटल मशाल में इन पे FIR है। उस FIR में लिखा है होटल मशाल पे छापा पड़ा, भंवर सिंह जी टेबल के ऊपर कैश के साथ पकड़ा है। जुए सट्टे के केस में जो उन्होंने बाद में निवेदन करके शिवराज सिंह जी से या सरकार से केस वापस करवाया, और भ्रष्टाचार का लोकायुक्त का उन पे केस रजिस्टर्ड है। लोकायुक्त का केस अपेक्स बैंक के घोटाले पर उन पे केस हुआ है। मुझ पे कौन सा जुए सट्टे का केस है, मुझ पे कौन सा लोकायुक्त का केस है।